हाय एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं डिफ्रेक्शन। सो ये दो पार्ट है वेव ऑप्टिक्स के, जो कि छोटे छोटे से पार्ट है और इसमें इतना ज्यादा हमें डीप जाके समझना नहीं है, कोई मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं होने वाली है हमारे पास। कुछ दो चार फॉर्मूलाज होंगे जिसको याद रखना, डायरेक्ट उसी भी क्वेश्चन बन जाने वाले, तो हमें इतना डीप नहीं जाना होता है डिफ्रेक्शन वगैरह वाले टॉपिक में। एक डिफ्रेक्शन होगा और इसके जस्ट बाद आने वाला है पोलराइजेशन। तो ये दो जो टॉपिक है हमारे पास, इन दो टॉपिक में ज्यादा डीप ना जाके हम मेनली ऊपर ऊपर लेयर से बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे, जो हमारे काम की चीजें होंगी, ठीक है। और यही हमारा आज का गोल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्रेक्शन होता क्या। अब सबसे दिक्कत पता क्या है, ये डिफ्रेक्शन में और इंटरफेरेंस में कभी मीनिंग ही नहीं समझ आया, मतलब डिफरेंस क्या है डिफ्रेक्शन में। मैं तुम्हें स्क्रीन पे कुछ पिक्चर दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखो। आई होप कि हमें पिक्चर दिख गई हो, ऑल्दो एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्चर दिख रहे हैं, ये डिफ्रेक्शन के फ्रिंजेस हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो क्या डिफरेंस है इसमें और जो हम इंटरफेरेंस में बनाते थे। मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं। एक्चुअल में डिफ्रेक्शन अगर बुक में देखोगे ना, तो वो ऐसे डिफाइन की जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल बताऊं। एक ये एग्जाम्पल हमारे पास एक स्लिट है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो ये हमारे पास एक पेज था और पेज के बीच में से मैंने एक छोटा सा सर्कल कट कर दिया, बहुत छोटा सर्कल है, बहुत छोटा, ठीक है। यहां से अगर लाइट रे, यहां पे एक सोर्स पड़ा हुआ, तो लाइट रे पक्का आएंगी, यहां से ऐसे निकलेगी और यहां से ऐसे निकल जाएंगी। ये तो हमें पहले ही पता थी ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसकी शैडो यहां बननी चाहिए थी बिल्कुल ऐसी, है ना। ये होल के यहां पे एक डार्क सर्कल बनना चाहिए था, बाकी सारा शैडो होना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था ब्राइट और इसके आसपास होना चाहिए था सारा डार्क। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इसके आसपास ना, इसके आसपास यहां पे कुछ फ्रिंजेस बन जाते गोल गोल, ऐसे फ्रिंजेस बन जाते गोल गोल। लेकिन सर ये तो बताओ ना, ये फ्रिंजेस कब बनेंगी, कितनी बनेंगी, कैसे बनेंगी। हाँ, यही आज का टास्क है। फ्रिंजेस बन गई, तुम कभी भी देखोगे ना, तो कभी भी कोई शैडो देखो, मेरे मार्कर की अगर यहां पर तुम्हें शैडो दिख रही होगी ना, आई होप यहां दिख रही हो, तो इसकी जो साइड है ना, अच्छा दो शैडो दिख रही है क्योंकि यहां पर दो लाइट है, ठीक है। तो कोई भी देख लो, इस शैडो को ऑब्जर्व करोगे तो इसकी जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर मैं इसको पास लेके आऊंगा तो एकदम बढ़िया से एकदम इसकी इमेज आ रही है, दूर लेके जाऊंगा तो इसकी इमेज खराब सी हो गई, देखो साइड से खराब हो गई इसकी इमेज। बात समझ पा रहे, पास लाऊंगा तो सही, दूर लेके जाऊंगा तो खराब। यही चीजें आज पढ़नी है कि ऐसा होता क्यों है, एक्चुअल में क्या होता है। जब भी लाइट कॉर्नर पे लगती है किसी के ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पे लगती है, तो वहां से वो बेंड हो जाती है। मैं तुम्हें हाइगन्स प्रिंसिपल से आज समझाने वाला हूं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं कि पहले तो हमने देख लिया, अगर बीच में होल कर दो, यही सेम एग्जांपल तुम ऐसे भी सोच सकते हो। मैंने एक डिस्क ले ली, बहुत छोटी सी डिस्क, वैसे इतनी छोटी डिस्क पॉसिबल नहीं है। मैंने यहां पर एक सोर्स रख दिया, यहां से लाइट रे जाएंगी और ये वाला पक्का डार्क पोर्शन होना चाहिए था, इसके आसपास सारा ब्राइट होना चाहिए था, ये डार्क होना चाहिए था क्योंकि यहां पर तो बंद, यहां पर तो मैंने बैरियर लगा दिया है, रास्ता बंद कर दिया, तो ये डार्क पोर्शन इसकी शैडो होनी चाहिए थी, बाकी सारा ब्राइट होना चाहिए था, यहां ब्राइट, यहां ब्राइट, इसमें यहां डार्क होना चाहिए था सारा, यहां भी डार्क होना चाहिए था, लेकिन कुछ फ्रिंजेस बन जाते हैं साथ में, कुछ पैटर्न सा बन जाता है अजीब सा। यहां पर भी ऐसे ही होगा, लेकिन क्या हुआ, हमने देखा कि मान लो मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिफ्रेक्शन होता क्या। मान लो ये ना, मैंने दो स्लिट ली, ये मैंने स्लिट ले ली, इस स्लिट में से मैंने क्या किया, ऐसे पैरेलल लाइट रेज आ रही है, मान लो ऐसे लाइट रेज आ रही। अब हमें हाइगन्स थ्योरी से पता ही है कि यहां पर हमारे पास पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे। अरे तो बताया था ना उसने, वो ईथर ईथर को कंसीडर करके बताई थी तुम्हें चीजें। तो ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी वेवलेंथ, मतलब ये सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, पहले ये वेव, ये जो रेज है इनको टकराएंगी, इसके बाद कुछ यहां पे ऐसे वेव्स बनेंगी, यहां पे वेव्स बनेंगी, यहां पे वेव्स बनेंगी, यहां पे वेव्स बनेंगी, ऐसे। तो यहां पे पैटर्न बन जाना चाहिए था इतना सही। अरे तो एग्जाम्पल सोचो, मैंने इस रूम में से बाहर लाइट निकाली, तो इतना जितना ये दरवाजे का साइज है उतनी तो एक वो ब्राइट पार्ट आ जाएगा, बाकी सारा डार्क। लेकिन यहां ऐसा नहीं, ये तो थ्योरेटिकली बता दिया, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां से अगर तुम आगे चलते जाओगे तो ये वेव्स आगे फिर किसी को धक्का देंगे, फिर किसी को धक्का देंगे। इन्होंने बताया था कि जो धक्का देंगे ये इथर पार्टिकल होते हैं, सारी बातें बता चुका हूं मैं। ये फिर आगे धक्का देंगे, आगे धक्का देंगे, ऐसे चलते 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 हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास पैटर्न बन जाने वाला है यहां पर। लेकिन दिक्कत पता करते प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ना, ये जो कॉर्नर के पार्टिकल है ना, ये और थोड़ा सा ऐसे ऐसे फैला देते हैं इस वेव फ्रंट को, और थोड़ा सा फैला देते, फिर आगे जाओगे फिर ये और आगे फैला देंगे, फिर ये और आगे फैला देंगे। हाँ वो बात सही है, मतलब इसने इधर वाले पार्टिकल को भी हिला दिया,
इसका वेव फ्रंट थोड़े और नीचे वाले पार्टिकल को भी हिला देगा, तो एक्चुअल में इसकी शैडो ऐसे ना बन के यहां यहां तक फैल जाती है, यहां तक मतलब ये वाली तो बिल्कुल ब्राइट आएगी, यहां पे कुछ पैटर्न देखने को मिलता है। ये होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो कॉर्नर से लग के आए डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो हमारे पास पार्ट होने वाला है, क्या ये उतना ही ब्राइट होगा जितना बीच में? नहीं, उतना ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीधे सीधे पार्टिकल जा रहे हैं ये सारी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं जितने इनके पास, यहां वाले की एनर्जी धीरे 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 डिक्रीज करती जाएगी, और जैसे एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी तो ये वाला जो ब्राइट पोर्शन आएगा ये तो होगा ही ब्राइट, इसे तो सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, हमने इंटरफेरेंस में सीखा था, ये तो होगा ही ब्राइट। ये वाला जो पार्ट है दिस इज लेस ब्राइट, बहुत कम ब्राइट होगा, और नीचे तो हाई डार्क पोर्शन। तो ये जो पार्ट है ना, हमें तो इसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या होने वाला है, हमें इसकी स्टडी करनी है। सो दिस इज डिफ्रैक्शन। मैं स्क्रीन पर भी जो तुम्हें पिक्चर दिखाई थी, डिफ्रैक्शन पैटर्न वही होता है। क्या हम उसे आंखों से भी देख सकते हैं? आई वुड सजेस्ट कि अगर हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है और बढ़िया बढ़िया पैटर्न देखने को मिलते हैं, सर्कुलर होते हैं, स्ट्रेट फिनिंजेस होते हैं। एक और डिफरेंस तुम्हें बताता हूं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, क्या डिफरेंस होता है? जो डिफ्रैक्शन होता है ना, उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मान लो ये रही, उसके बाद सेकंड वाली ये रही, फिर ये वाली, फिर ये रही, फिर ये रही, फिर ये रही, क्या डिफरेंस है? तुम्हें नहीं लग रहा धीरे धीरे डिक्रीज करती जा रही है? तुम्हें नहीं लग रहा धीरे 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 डिक्रीज करती जा रही है? लेकिन इंटरफेरेंस में तो नहीं ऐसा था। इंटरफेरेंस में तो एक रीजन अगर देखोगे उसमें इक्वल विड्थ की होती थी, है ना, फ्रिंज विड्थ भी निकालते थे जब हम, तो उसकी विड्थ तो सेम रहती थी, ये तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही। ये डिफरेंस होता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस में और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में। जो डिफ्रैक्शन की फ्रिंज, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो मैं बातें लिखवा रहा हूं, ऑल्दो मैं बोर्ड पर लिखवा नहीं रहा लेकिन तुम्हें लिखनी है कि जो डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेस होती है दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, दे डिक्रीज विद डिस्टेंस। डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस होती है डिस्टेंस के साथ उसकी विड्थ कम होती रहती है, लेकिन जो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस होती थी वो इक्वल होती थी उनके फ्रिंजेस। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, ये डिफरेंस होता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो हमारे पास ये आती है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, दो बंदों ने स्टडी की थी इसकी, ठीक है, थ्योरेटिकल स्टडी जो थी ना वो की थी फ्रेजनल ने। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फ्रेजनल, उन्होंने इसको थ्योरेटिकली चैप्टर को पढ़ा, इस पे पूरी थ्योरी दी थी डिफ्रैक्शन, तो वही हम पढ़ने वाले। तो दो टाइप की डिफ्रैक्शन होने वाली है हमारे पास, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहला जो हमारे पास होने वाला है वो है फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन क्या है, और दूसरा होता है हमारे पास फ्रानोफर डिफ्रैक्शन। ये दो हमारे पास डिफ्रेक्शन। अब इनमें ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब डिफरेंस समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा। अच्छा तुम खुद सोच के देखो, जब पहले डिस्कवर हुई होगी डिफ्रेक्शन का जो पैटर्न डिस्कवर हुआ होगा वो फाइनाइट डिस्टेंस पे हुई होगी, कभी गलती से उन्होंने कोई गेंद रखी होगी, ऐसे बॉल रखी होगी, यहां से लाइट पड़ी होगी, उस बॉल की शैडो बननी इतनी चाहिए थी लेकिन बनी इतनी उसकी शैडो, तो शायद उनको लगा होगा कि हाँ यार कुछ तो है। मतलब फ्रेजनल ने नहीं सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व किसी और ने किया था, उनका नाम कुछ ग्रिमेल्डी ऐसा कुछ नेम था, ठीक है, नेम तो कोई कमेंट बॉक्स में बता देगा मेरे ख्याल से, ना तुम में से ग्रिमेल्डी कुछ ऐसा नाम था उनका, उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन फ्रेजनल ने सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। बात यहां तक समझ आ गई? और वो जो फ्रेजनल ने डिस्कवर किया वो फाइनाइट डिस्टेंस पे किया था डिफ्रैक्शन पैटर्न, कि मतलब इतना ही डिस्टेंस हो या इतना हो या इतना, फाइनाइट हो जितना भी हो। तो फ्रेजनल और फ्रानोफर में क्या डिफरेंस है, यहां पे होती है ऑब्जर्वेशन एट फाइनाइट डिस्टेंस या फाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशंस। इसको दोबारा लिख लेते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशंस, दोबारा लिख लेते हैं ऐसे, फॉर फाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये तुम हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, ये जो टॉपिक है ना इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले,
हम क्या कोई भी टीचर नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि अपने काम का ही नहीं है, कॉलेज में जाकर पढ़ते हो तुम ये चीज ऑप्टिक्स के बारे में और डिटेल में। वो उसमें फिर तुम्हें डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन ही पढ़नी है, क्योंकि तुमने इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन वगैरह तो ऑलमोस्ट सारा पढ़ ही लिया है ना डिटेल में, मतलब तुमने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स तो ऑलमोस्ट पढ़ लिया जितनी डिटेल में तुम्हें रिक्वायर्ड होती है। तुम्हें डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन पढ़ना, तुम हायर क्लासेस में फिर जाकर पढ़ते हो। फॉर फाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास कभी ये यहां पे एक सोर्स पड़ा हुआ है, मान लो ये एक बैरियर है, फॉर एग्जांपल ये एक बैरियर है, ठीक है, ये कोई नुकीला सा बैरियर है, यहां पे एक स्क्रीन लगा रखी है फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, लाइट आ रही है यहां से, लाइट आ रही है यहां से कुछ ऐसे, तो आ जानी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसी वो कॉर्नर पे लगी होगी, और कॉर्नर पे लगती वो क्या होगी बेंड, तो वो ऐसे होगी। इसका हम अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दिया था यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है, कि क्या होता है कि कुछ वेवलेट्स, कुछ वेवफ्रंट यहां पे भी बन जाते हैं जो यहां तक पहुंच जाते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं आसपास वाले पार्टिकल्स को भी, ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस, ड्यू टू दिस कॉर्नर्स, कॉर्नर पे लग के वो आसपास वालों को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये फर्क होता है। तो यहां पे पैटर्न मिलना इतना चाहिए था, मिल इतना रहा, मतलब इतना ब्राइट रीजन होना चाहिए था लेकिन मिलता इतना इस कॉर्नर की वजह से। ये जो ऑब्जर्वेशन होगी दिस इज फ्रेजनल्स। अगर मान लो कभी इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिसको अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ना भी है, हम किसको पढ़ेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले को। फाइनाइट वाले को तो कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे, काफी डिफिकल्ट थ्योरीज होती हैं फाइनाइट वाले को। अगर कभी तुम हायर क्लासेस में जाकर तुम्हें मौका मिला तो जरूर पढ़ना है, मतलब फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। बट ये वाला जो फ्रानहोफर है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटिवली इजी टॉपिक है, फ्रेजनल्स वाले में काफी ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो ये होता है फोर इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशंस। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास था सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, हमारे यहां पे लिख लेना स्क्रीन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इस चीज को, ये था हमारे पास फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन टू डिफ्रेक्शन, की टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होती है और कितने टाइप्स की हमारे पास, दो टाइप की हमारे पास, फ्रेजनल और फ्रानहोफर। जो फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास होने वाली है। अब तुम कहोगे सर ये हमारे पास फाइनाइट है, हाँ, ऑब्जर्वेशन कितने पे, अगर तुम सोर्स देखो तो सोर्स इंफिनिटी पे है। बात समझ पा रहे हो? सोर्स इसका इंफिनिटी पे है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको कैसे डिस्कस करना है, इसको फ्रेजनल पे डिस्कस करना है, इसको फ्रानहोफर पे डिस्कस करना है, तो ये हम तुम्हें अब बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं डिफ्रेक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। फर्स्ट हेडिंग अपने पास आ रही है डिफ्रेक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। हम इसके डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, ना हमें रिक्वायर्ड है, ना कोई इसका यूज आने वाला है, बस हम इसका पढ़ेंगे। तो लिख लो हेडिंग पहले डिफ्रेक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से डिफ्रेक्शन कैसे होने वाली है उस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बुक से अलग होने वाला है तो आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं दिया हो तुम्हारे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट लानी है। पैरेलल लाइट कहां से आती है, जब सोर्स कहां हो, इन्फिनिटी पे। अगर सोर्स इन्फिनिटी पे है तो ये तो इन्फाइनाइट ऑब्जर्वेशन हो गई, इसका मतलब ये तो फ्रानहोफर पे चले गए। हाँ, अब बड़े ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पे रख दी स्क्रीन, ठीक है, मैंने यहां पे रख दी एक स्क्रीन। पक्का इतने रीजन में, जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, पक्का इतने रीजन में, अच्छा मैं अभी कोई स्क्रीन नहीं रखता, रुको, अभी कोई स्क्रीन नहीं रखी, फालतू में कंफ्यूज नहीं करते। मान लो मैंने अभी कोई स्क्रीन नहीं रखी यहां, अब मैं कोई भी तुम्हें रेंडम एक थीटा में पूछ लू कि बताओ इस थीटा पे कितनी इंटेंसिटी होने वाली है, तो हमारा काम होगा आई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना। तो इसके लिए बहुत रिगरस मैथमेटिक्स लगती है, मतलब बहुत अच्छी खासी मैथमेटिक्स लगती है, तो वो हम उसमें तो नहीं जाने वाले, वो रिक्वायर्ड नहीं। अगर जेईई एडवांस में भी टॉपिक होता ना तो भी हम इसका फॉर्मूला ही रखते हैं, वैसे जेईई एडवांस में अभी तक तो नहीं है, फ्यूचर में आ जाए तो अलग बात है, जेईई एडवांस में ये टॉपिक नहीं है डिफ्रेक्शन, क्योंकि उन्हें पता है डिटेल में हम क्वेश्चन देंगे और बच्चा फंस जाएगा और ये टॉपिक है नहीं इतना डिटेल में, एनसीईआरटी में दिया हो। तो ये आई ऑफ थीटा, आई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें निकालना होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम देखना चाहते हो तो कितनी इंटेंसिटी है,
किसी पॉइंट पे जीरो होगी, किसी पॉइंट पे कम होगी, किसी पॉइंट पे ज्यादा होगी, खुद सोच के देख लो। यहां से यहां तक तो पक्का इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट यहीं से ही जा रही होगी। सही बोल रहे हैं, मैक्सिमम लाइट तो इसके बीच में से ही जा रही होगी। हाँ, इसके ऊपर नीचे अगर हम देखेंगे तो इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, और शायद शायद हमें डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस भी मिल सकते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे सर हवा में कैसे फ्रिंजेस मिल जाएंगे, ये लाइट ही ऐसे जाएगी। मैं तुम्हें वेव थ्योरी में ही बता चुका हूं, ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास बनने वाले हैं कुछ पॉइंट, इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, कुछ डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे। तो अगर मान लो मैंने रैंडम यहां पे पहुंच गया, क्या पता यहां पे वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो तो डिस्ट्रक्टिव, एड हो रही हो तो कंस्ट्रक्टिव, तो मेरे को यहां मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है। क्या मिलेगा देखते हैं, इस फॉर्मूला से पता लगेगा। तो मैं इसकी मैथमेटिक्स तो फिर से बता देता हूं, मैं नहीं कराने वाला, बट इसका फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है, इसका फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है आई ऑफ थीटा इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में बीटा का स्क्वायर, वेयर बीटा इज इक्वल टू पाई बी 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 इज द विड्थ, इसकी विड्थ, ठीक है, ये जितनी चौड़ी है वो क्या है बी, ठीक है, पाई बी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, यहां पे दिख रहा है तुम्हें ये जो थीटा है कितने एंगल पे हम देख रहे हैं, वो हमारे पास थीटा है, और किस चीज पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूला को रिमेंबर, इसके डेरिवेशन पर नहीं जाना है, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी फ्यूचर में जबरदस्ती, मतलब आज के 3-4-5 साल बाद ये कभी फ्यूचर में डाल दिया, मतलब अब जब तुम वीडियो देख रहे हो उसके आज के 4-5 साल बाद जो बच्चे देखेंगे उनके सिलेबस में आ गया, तो गारंटेड मैं तुम्हें ये वाला डेरिवेशन कराने वाला, अभी किसी काम का नहीं, अभी तो इससे मजा आ जाएगा, तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो क्यों जाए फालतू, ठीक है। तो यहां तक पहुंचे, उसके बाद देखो सबसे पहला डालते हैं कि सबसे पहला डालते, एक तो मार्कर नहीं चल रहे, डिफ्रेक्शन मिनिमा, डिफ्रेक्शन मिनिमा ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। अभी तुम्हारी मैथमेटिक्स चेक करता हूं कितने आते हैं, तुम अभी बड़े ध्यान से समझना किस पे हमारे पास हमें मिनिमा मिलने वाला। अगर मैं थीटा को जीरो पुट करूं, थीटा को अगर, अरे साइन थीटा की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, जीरो, मतलब माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है, यहां पे अगर मैं जीरो रखूंगा तो बीटा जीरो आ जाएगा, बात समझ पा रहे का। अब तुम कहोगे सर वो तो माइनस वन होती सबसे कम वैल्यू, अबे खुद सोच के देखो, पॉजिटिव ऊपर माइनस नीचे, सबसे कम तो बीच में होगी ना, तुम्हें मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखो, माइनस साइन को भूल जाओ, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखो, ऊपर वन होगी नीचे माइनस वन होगी, बीच में जीरो के जीरो का मतलब कुछ नहीं। तो अगर मैं थीटा को जीरो पुट करूं विच इंप्लाइज साइन जीरो जीरो, तो बीटा भी कितना आ गया जीरो। अब मैं जीरो की वैल्यू इंटेंसिटी देखूंगा आई जीरो डिग्री पे, तो यहां बन जाएगी आई नॉट, ये तो जीरो बाय जीरो बन गई, कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा मैथमेटिक्स वाले बच्चों। अब जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो क्या करेंगे, तो उनको मैं सिखाता हूं, यहां पे हमें लेनी पड़ती है लिमिट एज बीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां पे बन जाएगी साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में बीटा का स्क्वायर। आई होप कि थोड़ा बहुत लिमिट का कॉन्सेप्ट पता हो, और यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट बीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन बीटा अपॉन बीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा की हमने की हुई है, प्रूफ भी कराया हुआ इसका, साइन थीटा बाय थीटा एस थीटा अप्रोचेस टू जीरो कितना होता है वन, तो यहां पे हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी आई नोट। और सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी मैक्सिमम फेंक रहे हैं हम, आई नोट ही तो फेंक रहे थे, और मतलब हमें यह पता लग गया कि इस रीजन में अगर हम आगे चलते जाए तो यहां तो पक्का कितनी मिलने वाली है हमें, आई नोट ही मिलने वाली है। नहीं समझ पाए इतने रीजन में तो, और वो तो ऑब्वियस भी लग रहे समझ के, इतने रीजन में तो हमें मिलनी भी उतनी चाहिए थी, यहां में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो कॉर्नर से बेंड होगी ना, यहां तो पूरी पूरी लाइट जाएगी। सर समझ आ गया, बढ़िया। तो हाँ, ये हमारे पास मिल गया, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो को तो मिनिमम मिला ले, देखो साफ सीधी जोन सी बात है, हमें तो मिला नहीं, क्या करें। और देखते हैं सर इसकी और भी तो वैल्यूज हो सकती है, चलो एक तो खराब हो गई, खराब क्या हो गई, मतलब एक से तो बात बनी नहीं, दूसरा देखते हैं। और अब एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू रख देते हैं, सॉरी अब हम बीटा की वैल्यू रख देते हैं एम पाई, शायद इस पे बात बन जाए, ठीक है। फोर बीटा इक्वल टू एम पाई, क्या लिखते हैं ना, फोर बीटा इक्वल टू एम पाई, देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं बीटा को एम पाई रख दूं तो यहां पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा एम पाई
इक्वल टू पाई बी साइन थीटा, पाई से पाई गया, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एम बी बाई लैम्डा इक्वल टू साइन थीटा। हाँ अब थोड़ा सा लग रहा है, अब बिल्कुल लग रहा है, अब इसके रूट्स आ जाएंगे, एम को पुट कर दो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी अगर किसके इक्वल आ जाए, एम बीटा के इक्वल आ जाए, तो वो शायद हमें मिल सकते हैं, है ना, तब हमें मिनिमा मिल सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बस अब निकाल लेते हैं, फर्स्ट मिनिमा कब आएगा, फर्स्ट मिनिमा हमारे पास मिलने वाला है m इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बी बाय लैम्डा, और यहां पे हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। अच्छा तुम कहोगे सर ये आपने जीरो क्यों नहीं पुट किया, हमको जीरो पुट करके देख लिया, अगर इसको जीरो पुट करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी जीरो, सॉरी बीटा की वैल्यू आ जाएगी जीरो, m को जीरो, m को 1 क्यों पुट किया, जीरो क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि जीरो पुट करते तो ये वाला केस आ जाता, और यहां नहीं मिल रहा हमें मिनिमा, यहां मिल रहा है, पुट करके देख लो बेशक। तो यहां से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स बीटा बाय लैम्डा, बीटा बाय लैम्डा, यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ रही होगी। तो दिस इज दी फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा हमें मिलने वाला है यहां जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें इस समय, दिस इज फर्स्ट मिनिमा। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, सेकंड मिनिमा निकाल लो, सेकंड मिनिमा निकालने के लिए क्या करें, तो यहां पे m को 2 पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2b अपॉन लैम्डा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2b बाय लैम्डा, एंड दैट इज द फॉर्मूला। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया वो बताओ मुझे एंगुलर विड्थ बताओ तो कैसे निकालोगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम क्या करेंगे, अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बी बाय लैम्डा, लेट मी सी, हाँ बी बाय लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। हाँ अब आगे अगर हम चले तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई बीटा अपॉन दिस, अगर मैं तुमसे पूछूं एंगुलर साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो कैसे निकालोगे, पक्का सेंट्रल मैक्सिमा ना ऐसे ही बना हुआ, ऐसे ही बना हुआ कुछ ऐसे, मान लो अभी इसकी तरह बना, एक रेक्टेंगल की तरह बना हुआ, मिनिमा यहीं से तो स्टार्ट होगा। मिनिमा जो है वो सेंटर से लेके कितना ऊपर है थीटा एंगल ऊपर, अरे बात तो सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही। और ये जो दूसरा नीचे वाला मिनिमा है, ये नीचे वाला मिनिमा, ये कितने एंगल पे मिलेगा, ये भी थीटा एंगल पे मिलेगा, है ना, बात सही है ना, ये ऊपर वाला कितने पे मिलेगा थीटा पे, और ये नीचे वाला भी कितने पे मिलेगा थीटा पे, तो यही तो होगा इसका एंगुलर साइज, नहीं समझ पा रहे, दिस इज द एंगुलर साइज हमारे पास आ जाएगा, एंगुलर साइज को मान लेते हैं फाई, मान लेते हैं फाई, तो फाई हमारे पास आ जाएगा, एंगुलर साइज आने का क्या फायदा है हमारे पास, क्योंकि अगर मेरे को एक बार एंगल मिल गया और मेरे को एक बार ये वाला डिस्टेंस पता लग गया, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो मेरे को यहां से आर्क मिल जाएगी, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मेरे को यहां से आर्क मिल गई, तो फिर और तो कुछ चाहिए नहीं, अबे इसकी विड्थ मिल गई फिर तो यहां से लिखेंगे 2θ इक्वल टू, ये 2θ आ जाएगा ना फाई, ये पूरा फाई है, तो यहां से आ जाएगा 2θ, 2 इंटू थीटा की वैल्यू ऊपर से डाल दो बी बाय लैम्डा, सो 2b बाय लैम्डा इज दी एंगुलर विड्थ, तो यहां पे लिख लो इसको क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ दी फ्रिंजेस। चलो आ जाओ, इंक फिल कर ली है तो अब स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास आने वाला है वो हमारे पास आएगा कि तब क्या होगा जब मैं इसको, अभी तो मैं क्या कर रहा था, ये स्क्रीन पर लगने के बाद भी रेज देखो कैसे जाती है और मजा नहीं आता बिल्कुल भी। अभी स्क्रीन पर लग रही है रेज, मतलब सॉरी स्क्रीन पर क्यों कह रहा हूं मैं, मतलब यहां से तो रेज बढ़िया निकल रही है, लेकिन आगे मजा नहीं आ रहा। आगे अगर मैं यहां पर स्क्रीन रख दूं तो भैया यहां पर फिर तो बढ़िया नहीं लगेगी मुझे, फिर तो यहां पे एकदम रेस कैसे आएंगे, तो सीधी आ जाएंगी। इसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आओ, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ऐसे कैसे ला सकते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज कर ले, कन्वेक्स लेंस में जब भी पैरेलल लाइंस आती हैं तो क्या करते हैं, वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, तो पक्का इसके बीच में कन्वेक्स लेंस यूज कर लो। तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं कन्वेक्स लेंस, तो ये हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया रखा, हमें पता है कि सारे के सारे रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट।
ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो चलो, अगर मैं दूसरा यहां से कोई देखूं तो दूसरा यहां पर कुछ ऐसे बना रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई रेज आएंगी, ये ब्रीक वाली रेज देख लो, इस पॉइंट पे मान लो, एक मिनट रुको, चलो तो यहां से कोई रेज आएंगी, यहां पे मिलेंगी, यहां पे कोई रेज मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से बना लेंगे, यहां पे रेज मिलेंगी, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो ये सारी चीजें तो यार पहले हमने की हुई है, की हुई ना, ये सारी चीजें हमने की। अब तुम कहोगे भैया ये पैरेलल रेज कैसे प्रोड्यूस करें, इसको भी करा दे क्या पैरेलल रेज प्रोड्यूस। एक और चीज करते हैं, अगर मान लो मैं फोकस पे ही, अगर मैं मान लो यहां पे कन्वेक्स लेंस लूं और उसके फोकस पे रख, तुम कहोगे भैया ये पैरेलल रेज तो आ ही सकती, क्योंकि कोई भी सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे तो हो नहीं सकता, या तो इसको सनलाइट से कर लो, सनलाइट में सन जो है बहुत दूर है, लेकिन मेरे को अपने घर पे बैठकर आराम से लैब में करना है एक्सपेरिमेंट, तो क्या करूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मेरे को पैरेलल रेज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कैसे करूं, मैंने एक सोर्स रखा, कहां पे फोकस पे रख दिया लेंस के, और फोकस पे जैसे ही जाएगा तो वो क्या करेगा, सारी लाइन को पैरेलल कर देगा। लो ये भी प्रोड्यूस कर दिया हमने, तो इसमें भी पैरेलल रेज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ सोर्स जो कि फोकस पे रखा होगा, तो फोकस पे मैंने रखा होगा, लो बन गया, एकदम बढ़िया डायग्राम बना हमारा। ये वाली रेज तो आगे जा नहीं पाएंगी जो इससे टकरा रही है, बट बाकी के डिफ्रेक्शन पैटर्न बनने वाला है। ऊपर नीचे अगर हम यहां पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट में बना लूं जो कि लाइट को यहां पे गेन कर सके, एक ऐसा मैंने डब्बा बना लिया जिसमें लाइट पड़ेगी तो उसकी बत्ती जगेगी, लाइट नहीं पड़ेगी तो बत्ती नहीं जगेगी, तो मैं देख लूंगा इसको ऊपर नीचे कर करके कर करके, ये जो डिब्बी है ना इसका नाम रख देते हैं राजन्स बॉक्स। मैंने डिब्बी स्क्रीन पर रख ली, डिब्बी ऊपर नीचे खिसका खिसका के देखी, जहां पे इसकी बत्ती जगी लाइट आई, मान लो फोटोसेल का बना हुआ है, फोटोसेंसिटिव है, लाइट पड़ेगी तो बत्ती जलेगी। फोटोसेल तो पढ़ाया है या पढ़ाना है, एक मिनट रुक जाओ, पढ़ाना है अभी फोटोसेल क्या होगा, मतलब ठीक है तो फोटोसेल जब तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम्हें पता लगेगा, अगर इसका हमारे पास जरा सी भी लाइट गिरी तो ये फोटोसेंसिटिव चीजें होती है। मैंने यहां पे ऐसे रखा, ऊपर नीचे करके देखा, अगर इसका लाइट पड़ी तो ग्लो करेगा, लाइट नहीं पड़ी तो नहीं ग्लो करेगा, अगर लाइट पड़ी तो मतलब वहां पे मैक्सिमा, लाइट नहीं पड़ी तो वहां पे मिनिमा। और मैं ऊपर नीचे जब मैं इसको केयरफुली मेजरमेंट करके देखूंगा, मैं देख लूंगा कि वो कितनी ऊपर कितनी, यहां से पता लग जाएगा कि यहां से लेके यहां तक लाइट नहीं जल रही थी, डिस्टेंस मेजर कर लिया, फिर मैं ऊपर क्या लाइट पड़ रही है, यहां से यहां तक ये तो बहुत कम डिस्टेंस था, इसका मतलब इसके बीच में लाइट नहीं पड़ रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाली जो फ्रिंज विड्थ थी वो बहुत बड़ी थी, ये वाली जो फ्रिंज विड्थ था वो बहुत छोटी है। तो यहां से ये भी तो प्रूव हो रहा है, यहां से ये भी तो प्रूव कर सकते हैं लैब में बैठ के कि ये जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है ये नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं बड़ी कहीं छोटी, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज करती रहेंगी। और स्टार्टिंग में ही तो बताया था वीडियो में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है फ्रिंज विड्थ का, अरे ये तो बता, आगे बढ़िया एकदम जोरदार समझ आ गया। तो यहां से आगे चलते हैं, यहां हमारे पास पहुंच गए हैं। और एक चीज और इस पे याद, ये समझ आ गया क्वालिटेटिव आइडिया, अब हम कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव याद रख लो इसको, उतने से अपना काम बन जाने वाला है, बाकी इसके क्वेश्चन करा देंगे कि कैसे क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर और कितने पूछे जा सकते हैं वो भी सारे करा देंगे। ये वीडियो मैं थ्योरेटिकली रखता हूं, ठीक है, थ्योरी समझ आ गई। ये क्यों रखा, क्योंकि मेरे को फाइनाइट डिस्टेंस पे जाना था, ये क्यों रखा क्योंकि मेरे को पैरेलल रेज प्रोड्यूस करनी थी, एकदम बढ़िया एकदम डायग्राम लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा इसको रब करूं, मैं तो सोच रहा हूं अगली पोलराइजेशन की वीडियो में भी ये बना रहने दो, इतना बढ़िया डायग्राम बनाया हमने, क्योंकि एक लेंस पैरेलल रेज प्रोड्यूस करेगा, एक लेंस कन्वर्ज करेगा, बना दिया डिफ्रेक्शन, मजा आया। चलो सो नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है वो है मैक्सिमा की बात करनी, ठीक है, तो यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं हम, डिफ्रेक्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट, दूसरी हेडिंग आ जाएगी मेरे ख्याल से, डिफ्रेक्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब मिनिमा तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया, मैक्सिमा कैसे निकालें, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं निकालने के, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, दिखाए शॉर्ट ट्रिक, तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया हुआ था, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में बीटा का स्क्वायर। क्या तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा मैंने पढ़ाया कभी मैथमेटिक्स में, पढ़ा हुआ तो तुम्हें मैथमेटिक्स में मैंने तुम्हें सिखाया था मैक्सिमा मिनिमा निकालने का मेथड, याद करो, हाँ, डिफरेंशिएशन करो इक्वल टू जीरो तो आ जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा। तो यहां पर करेंगे डी आई बाई डी बीटा इक्वल टू जीरो, दैट इज इट, इसकी कर दो डिफरेंशिएशन, आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है,
इसमें लगेगा यू अपॉन वी रूल, तो बीटा की पावर 2 की 2, यहां आ जाएगा बीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, थीटा क्यूब बीटा, बीटा माइनस 2 बीटा साइन स्क्वायर बीटा, बीटा बीटा बीटा, तो ये गया जीरो के साथ। इंटेंसिटी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती वरना क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं हम। बीटा एक कॉमन लेके गया, 2 साइन बीटा कॉमन लेके गया, तो जो मेरे पास बच रहा वो देख लो, बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू जीरो, तो बीटा की वैल्यू मिल रही है टैन बीटा, बीटा की वैल्यू मिल रही है टैन बीटा। ग्राफ बना के देखो, डरोगे तो नहीं पक्का, अब तुम बोलोगे इसमें डरने वाली क्या बात है, अभी देखना है कुछ डरने वाली बात, इसीलिए मैंने कहा तुम डरने वाली थोड़ी सी बात थी। ओरिजिन से पास कराना इसे, ठीक है, एकदम बढ़िया डायग्राम बना बस ये बीच में, हाँ अब बढ़िया लग रहा थोड़ा सा। अब मैं अगर यहां पे ये बनाऊं तो दिस इज टैन बीटा और यहां पे क्या होगा बीटा, यहां हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये जो सेंटर में होता है ये क्या होता है, सेंटर में दिस इज मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे अगर हम देखेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो यहां से हमारे पास ये हम देखेंगे तो एक लाइन से ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। मेरी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी दिख रही है तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ध्यान से बनाने इन डॉट्स को। अब ये जो बाकी के पॉइंट्स होंगे ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमा, जिनको मैं सर्कल से दिखा रहा हूं। सो दिस डार्क पॉइंट्स आर मैक्सिमास और ये जो सर्कल है दीज आर मिनिमास। अब तुम बड़े ध्यान से देखोगे ना तो ये जो डिस्टेंस है ना इसके बीच में, यहां तो है ही कोई मिनिमा, पहला मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस देखो, दूसरा देखो, यहां देखो, यहां देखो, बढ़ता नहीं जा रहा। हाँ सर ये सही कह रहे हो, इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि ये अनइवनली स्पेस्ड हमारे पास क्या होने वाली है, फ्रिंजेस होने वाली है, मतलब उसकी धीरे 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 करते हैं हमारे पास डार्क पोर्शन ज्यादा होने वाला है, ठीक है, डार्क चीजें बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे और ब्राइट वाला कम 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 होता जाएगा, एक टाइम आएगा खत्म। नहीं समझ पा रहे पक्का, तो ये मैंने बनाई एक स्लिट, ये बनाई दूसरी स्लिट, ये बनाई स्क्रीन, ये बनाई मैंने लाइट रेस, यहां तक हमारे पास एक्चुअल में आएगी जो प्रैक्टिकली हमने देखा है। ये बाकी का क्यों आया सर, यह आया डिफ्रेक्शन, ये बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से आया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, धीरे धीरे आना तो यहां तो डार्क आना चाहिए था, आया क्या ब्राइट, वो ब्राइट जो है वो धीरे 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 कम होता रहेगा, ये जो डार्क है ये बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, डार्कनेस बढ़ती रहेगी, यही तो बता रहे ग्राफ भी कि डार्कनेस जो है वो बढ़ती रहेगी, यही तो बता रहे ग्राफ भी, तो बढ़ गई डार्कनेस, मजा आया। तो अब एक लास्ट चीज जो हमारे पास है ना सिंगल स्लिट से रिलेटेड वो लिख लो। अच्छा यहां पे एक चीज इसको रब कर लिख लिया है सारा, हाँ। अब एक चीज यहां पे लिख लो जो हमने उसमें पढ़ा था ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पे भी था और यहां पे भी है, ये बी मान लो, तो एक फॉर्मूला यहां पर भी वैलिड होता है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां से तुम्हें पता ना वहां पर भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते थे, अब ये मैं उन बच्चों के लिए करा रहा हूं जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, वरना इस फॉर्मूला का उतना ज्यादा यूज है नहीं, बात समझ पा रहे। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिखेगा, ये अगर हमारे पास बी है, अगर ये हमारे पास बी है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है बी साइन थीटा इज इक्वल टू ये थीटा है, सॉरी ये नहीं ये थीटा है, तो यहां से आता है बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसका डेरिवेशन देखना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब तुम कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि इंटरफेरेंस और इसमें कोई लेना देना नहीं है, अरे 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 मैथमेटिक्स तो सेम है इसकी और इसकी, बनने तो इसमें भी वही ट्राइंगल्स है, तो आई वुड सजेस्ट यू क्योंकि तुमने इंटरफेरेंस देख के यहां पे आए होंगे मुझको विश्वास है, तो इंटरफेरेंस देखी हुई है तो ये तुम्हें समझ आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें वर्क क्यों दे रहा हूं इसको दोबारा करने का, तुम्हारा दिमाग इन्वॉल्व होगा और समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन लैम्डा बाय बी, ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बस यहां पर दिक्कत क्या आ जाती है, मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना ये चीज जो मैं अब करने वाला हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब तुम कहोगे सर ये तो आप ऐसे ही लिख रहे हो पता नहीं क्यों, बट ये लिखना पड़ेगा मुझे, वन बाय टू, सॉरी एन बाय टू
टू लैम्डा, एक मिनट रुको, इसको हम लिख सकते हैं एंड बाय टू लैम्डा बाय बी, टू लैम्डा बाय बी, अब ठीक लिखा हमने, एक मिनट रुको बस। हाँ, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये हमारे पास लिख लेते हैं। एक और कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, अगर हम फ्रानोफर की बात करते हैं तो हमारे पास कंडीशन, हम मैं तो भाई इंटेंसिटी वाली कंडीशन से निकाल के दिखा चुका हूं। अब अगर हम क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पे कर रहे हैं तो ये कंडीशन हमारे पास आने वाली है, इसको ध्यान से देख लेना। पहले वाली कंडीशन जब हमने सोर्स मतलब पैरेलल रेज ला रहे थे और हम पैरेलल रेज से हम कहीं पे भी डिटेक्ट करके देख रहे थे कि इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या आने वाला है। अभी हम इंटेंसिटी की जगह क्या देख रहे हैं कि स्क्रीन पे क्या आने वाला है, तो हमारे पास देखना क्या आएगा, मिनिमा की कंडीशन। ये इतना जरूरी नहीं है, पहले बता दिया, इतना जरूरी नहीं है। ये मिनिमा की कंडीशन, ये मैक्सिमा की कंडीशन। मिनिमा की कंडीशन होती है कि अगर ये टू लैम्डा बाय बीटा, टू लैम्डा बाय बी मतलब जो टू लैम्डा है, इफ दिस इज, एक मिनट रुको, मैंने ही थोड़ा सा यहां पर गलत किया है, रुको एक मिनट। साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा, टू एम लैम्डा बाय टू बी, अब लिख लो ढंग से, बहुत हो गया। अब ठीक है, अगर ये जो लैम्डा बाय टू बी है, लैम्डा बाय टू बी, इफ दिस इज इवन मल्टीपल, इफ दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ एन, तब हमारे पास अगर ये इवन नंबर आएगा तो हमें मिलेगा मिनिमा, अगर मतलब टू एन मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा मिनिमा। और अगर हमारे पास, इस चीज को ध्यान रखना, अगर ये कभी भी ओड आ गया, ओड ना, पता है टू एन प्लस वन होता है, इन टू में लैम्डा बाय टू बी, ये हमारे पास मिलेगा, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अब तुम कहोगे इंटरफेरेंस में तो अलग होता था भैया, बिल्कुल अलग होता था, ये हमारे पास डिफ्रैक्शन की बात है, और अगर हम फाइनाइट पाएंगे तो ये होगा, और पिछला मैंने तुम्हें इंटेंसिटी का वेरिएशन तो दिखा ही दिया। मेन हमारे पास जो टॉपिक था ना वो इंटेंसिटी का वेरिएशन था, यहां थोड़ी बनने वाले, तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि भैया ये भी बता दो वो भी बता दो, ये कहां से आया वो कहां से आया, तो वो सारी चीजें तुम्हें पहले ही बता दी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए है नहीं है, बाकी फिर भी इस पे जब क्वेश्चंस कराएंगे तो जरूर करा देंगे इस पे, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखो। आगे चलो, इस पे क्वेश्चंस पे कराएंगे, डरना नहीं है बिल्कुल, अभी तो कॉन्सेप्ट समझाने में तुम्हें टाइम सारा कंज्यूम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास है इंटेंसिटी वेरिएशन, इंटेंसिटी वेरिएशन मेन इसमें इंटेंसिटी का ही है, वो जो अभी फॉर्मूला बताया ना यहां पर, दो फोर्स करके नहीं कह रहा हूं तुम्हें, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा ये है ही नहीं इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ पा रहे हो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताए जाएंगे। इंटेंसिटी वेरिएशन हमारे पास क्या है, कितना इंटेंसिटी का तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, इस चीज को हमें जहन में उतार लेंगे कि हमारे पास होगा टू अपॉन में टू एन प्लस वन पाई होल स्क्वायर इंटू में आई नोट, कहां से आया, मैथमेटिक्स हमारे पास है नहीं इसकी, ठीक है, कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ये होता है फ्रानोफर मैक्सिमा, फ्रानोफर मैक्सिमा, इन इन पॉइंट्स में हमारे को मिलने वाले हैं मैक्सिमास, इन इन पॉइंट्स में, इन इन इंटेंसिटी पे, एंड की जगह तुम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कैलकुलेट करो और ये आएगा। अब इसकी मैथमेटिक्स पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला क्योंकि है नहीं, लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर ये जेईई एडवांस वालों ने डाल दी तो मैं पक्का बनाने वाली, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, अभी के लिए हम मैथमेटिक्स पर नहीं जाएंगे, और इसका यूज भी नहीं है, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया इसे। अगर मैं इंटेंसिटी का वेरिएशन यहां पर तुम्हें दिखाना चाहूं, इंटेंसिटी का, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, मेरे को थोड़ा सा इतना ही बनाना चाहिए, बायसनेस नहीं करनी हमें, दोनों साइड सेम ग्राफ, बढ़िया बन गया। अब यहां पर देखनी पड़ेगी, यहां पर इंटेंसिटी होगी आई नोट, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सेंटर में कितनी होती है आई नोट, यहां पर कितनी होती है आई नोट अपॉन में 22, आई नोट अपॉन में 22। मेन जो चीज है ना ये आई नोट अपॉन 22, आई कहां से, तो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एन की जगह तुम वन पुट करके देख लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कहां से आई हुई है। यहां पे आएगा आई नोट अपॉन 61, आई नोट अपॉन 61,
आई नॉट अपॉन 57 भी कहीं कहीं लिख के देखोगे तो अपने लिए तो बस ये वैल्यूज इंपोर्टेंट ना होके ये ग्राफ इंपोर्टेंट था कि इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होता है। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा, वेरिएशन तो बता दिया, ये वेरिएशन किसके साथ है ये भी तो पता लगे, थीटा के साथ। थीटा अगर यहां पर जीरो होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर ऐसे ही थीटा आगे बढ़ाते रहोगे तो मैक्सिमम मिनिमम मिलते रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती रहेगी, इंटेंसिटी कम होती रहेगी धीरे धीरे। और जो कि हमें सोच के भी अच्छा लग रहा है ना, मैंने तुम्हें पिक्चर्स भी दिखाई है स्टार्टिंग में कि कैसे कैसे धीरे 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 इंटेंसिटी कम होती है, वैसे ही कुछ हमें ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट लिख लो, हमारे पास है इल्यूमिनेशन पैटर्न। ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन बात समझ पा रहे हो? हाँ। अब यहां पे ना क्या होने वाला है, हमारे पास एक हमारे पास स्लिट है, मतलब वही मैं तुम्हें एक बार दोबारा डायग्राम दिखाने वाला हूं और ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे तुम्हें एक और बार मैं एक डायग्राम दिखाने वाला हूं कि हमारे होना यहां तक चाहिए था ब्राइट और इसके ऊपर होना चाहिए था डार्क, इसके ऊपर होना, इसके नीचे भी होना चाहिए था डार्क, लेकिन ग्राफ जो इसका पैटर्न बनने वाला है वो कैसा बनता है तुम एक बार स्क्रीन पे से देख लो अच्छे से, देख लिया? चला लो, ये हमारे पास बी विड्थ होने वाली है इसकी, ठीक है, और ये यहां तक जा रहा है। अब तुमने ग्राफ भी देख लिया कि एक्चुअल में इसका ग्राफ जैसे बनता है वो तुम्हारे सामने, एक्चुअल में इसकी जो पैटर्न बनने वाली है वो कुछ ऐसे बनते हैं कि सेंटर में हमारे पास एक डार्क सेंट्रल फ्रिंज बनता है और उसके बाद धीरे 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 डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के साथ फ्रिंजेस बन जाती हैं। अब लास्ट अपने टॉपिक पे आते हम आते हैं जिसका नाम है डिफ्रेक्शन से रिलेटेड, लास्ट जो टॉपिक है उसका नाम है डिफ्रेक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर ये हमारे पास, इसका तो फिर भी थोड़ी डिटेल मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हें एकदम फील तो करा दिया कम से कम, लेकिन वो तो ऐसे है कि उसको मैं तुम्हें उसका मतलब बता ही नहीं पाऊंगा, उसको तो मतलब छुपा के रखना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास ना अभी अभी हमने फॉर्मूला करता फर्स्ट मिनिमम, एक तुम्हें नोट लिख ले, नोट लिख ले, फर्स्ट मिनिमम हमें अभी अभी मिला था जो कि था साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा बाय बी। वो वाला फॉर्मूला से भी वही मिल रहा था, वो जो मैंने फाइनाइट डिस्टेंस वाला निकाला था ना, लैम्डा बाय वन पुट करोगे तो यही आ रहा था, अरे v sin theta equal to n lambda आ रहा था ना, तो 1 डाल दो तो ये तो बन रहा था उसमें भी, है ना, बात समझ आ गई? हाँ, फर्स्ट मिनिमम हमारे पास आ रहा, अरे यहीं से ही पता लगा था हमें, अभी अभी हमने वो जो लिख दिया था ना 2n, उसको ऐसी फॉर्म में आपने क्यों बनाया, लैम्डा बाई 2b टाइप की फॉर्म में ऐसा क्यों बनाया था आपने, वो इसीलिए ही बनाया गया था। ठीक है, चलो आ जाओ, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम बड़ी ध्यान से देखें, इफ B is very very greater, पहला केस, केस वन, अभी ना यहां से तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं, शायद आज से पहले तुमने नहीं सुनी हो, इतने में आराम से, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूं क्योंकि एक बहुत गहरा सीक्रेट है ये। B is very very greater than lambda, तो क्या होगा अगर B बहुत बड़ा है lambda से, so sin theta is very small, sin theta is very small, it is equal to theta, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इफ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब जितनी उसकी वेवलेंथ है ना वो बिल्कुल आराम से जा रही, कॉर्नर के साथ बेंड होने का तो कोई लेना देना ही नहीं था, वो बिल्कुल इतनी खुली हमने बना दी, इतना चौड़ा हमने कोई पीस ले लिया, उसके बीच में से लाइट बहा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न नहीं दिख रहा, तो यहां पर बहुत बड़ा है तो वी विल से नो डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व, नो डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व। केस टू हमारे पास होने वाला है, इफ b इज ग्रेटर देन, नॉट लार्जर, नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन, बट b इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो हम कहेंगे यहां पे हम वर्ड यूज करने वाले हैं जो वो हमारे पास होगा प्रोमिनेंट डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व,
ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद केस थ्री, केस थ्री, अब मैं बी को वो और छोटा करूं, बी इज इक्वल टू लैम्डा। अगर बी लैम्डा के ही इक्वल हो जाएगा तो हम यहां पे कहेंगे नो होल स्क्रीन विल बी ब्राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे नो डार्क, यहां पे हम लिखेंगे नो डार्क फ्रिंज आर सीन। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, अभी तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें रटवा रहा हूं बेटा, अभी तो एनिमेशन दिखाऊंगा तुम्हें। एक बात बताऊं, फोर्थ पॉइंट पे आने से पहले एक बात बता दो। अच्छा, मैंने इतना खुला कर दिया, सारी लाइट जाएगी, मैं उसको थोड़ी धीरे 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 छोटा करने लगा। अच्छा, मैं तुम्हें यहां पर दिखाता भी हूं स्क्रीन पे, जैसे ही मैं अपने स्लिट को धीरे 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 छोटा करता हूं तो लाइट कब पहुंचनी चाहिए थी वहां तक, है ना, स्क्रीन तक। मैंने उसे और छोटा कर दिया, लैम्डा के इक्वल ले गया तो कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा से भी छोटा ले गया, अब क्या होना चाहिए था, लाइट कम होनी चाहिए थी। अरे लाइट तो कम होनी चाहिए थी, लाइट की जो विड्थ है वो जो सामने पहुंच रही है दीवार पे लग रही है अब सामने वाली में, इसकी विड्थ कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो ज्यादा हो गई। अरे इसकी विड्थ तो बढ़ने लग गई धीरे धीरे। यहां पे हमारे पास स्टार्ट होता है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यहां स्टार्ट होता है हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ये वाले पॉइंट से जो मैं आप तुम्हें बताने लगा हूं कि बी इज लैम्डा इज ग्रेटर देन बी, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन बी, तुम्हें नहीं लगता साइन थीटा की तो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं होगी। अरे यहां तो साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल होगी, वन से बड़ा आ गया, साइन की वैल्यू कभी वन से बड़ी होती नहीं, तो यहां तो बड़ा आ गया, तो अब क्या करें। तो यहां पे हमारे पास ये आ जाता है बेटा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट वेव है या पार्टिकल है, और हमें रीजन ही नहीं मिल रहा कि मैं उसको छोटा कर रहा हूं, लाइट बड़ी क्यों हो रही है। बात तो सही कह रहे हो सर आप, कि अगर आप जगह को कम करते रहोगे तो कम लाइट जाएगी, अगर आप जगह को और कम करोगे तो और कम लाइट जाएगी, लेकिन आप जगह को बिल्कुल ही कम कर रहे हो तो लाइट ज्यादा हो रही है, ऐसे कैसे हो रहा है, लाइट फैल क्यों रही है। तो यहां पे हमारे पास आता है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट कैन बी पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो हम कहेंगे सम इल्यूमिनेशन, लिखेंगे सेम इल्यूमिनेशन ऑन द होल स्क्रीन, सेम इल्यूमिनेशन ऑन होल स्क्रीन, होल स्क्रीन, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, चार केसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने कर लिए। तो यहां पे खत्म होता है हमारे पास डिफ्रेक्शन का पूरा टॉपिक, और एक छोटी सी चीज रह गई है सर्कुलर अपर्चर वाली, है ना, डिफ्रेक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। अब ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जितना ये बताया उससे तो बहुत कम बताऊंगा क्योंकि अपने पास है नहीं। तो डिफ्रेक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर, अब तुम्हें पता अगर मैं थोड़ा भी बताऊंगा तो इतनी तो क्यूरियोसिटी है मेरे में कि मैं थोड़ा तो एक्स्ट्रा बता के जाऊंगा तुम्हें। अब सर्कुलर के बारे में बताते हैं, सर्कुलर वाले में ना दो तरह से हो सकता है काम, दो तरह से हो सकता है, देखो ध्यान से। एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक पेज लिया उसके बीच में सर्कल काट दिया और यहां से एक सोर्स से लाइट आई, ऐसे पड़ गई, ऐसे पड़ गई और ऐसे निकल गई, यहां पर बन गया पैटर्न। एक तो ऐसे हो सकता था, ये तो पॉसिबल है बनाना, ना मैंने एक पेज लिया उसमें सुई मार दिया ऐसे छोटी सी तो वो छोटा सा होल बन जाएगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है छोटी सी डिस्क बनाना, मैं यहां पे सोर्स रखूंगा और ऐसे जाएगी, ये इससे भी बनेगा डिफ्रेक्शन पैटर्न। लेकिन दिक्कत क्या है, ये वाला इतना छोटा सा पीस लाना, ना इतनी छोटी सी डिस्क लानी, ये पॉसिबल नहीं है, कहां से लाओगे इतना छोटा सा वेवलेंथ के कंपैरिजन का, मतलब मुझे स्टार्टिंग में लिखवा देनी चाहिए थी बट मैं यहां पे एंड में लिखवा रहा हूं, एक नोट डाल लेना, नोट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिफ्रेक्शन, कंडीशन ऑफ डिफ्रेक्शन मुझे स्टार्टिंग में लिखवानी चाहिए थी बट ऐसा कोई हमारा लॉस नहीं हुआ। बीटा बाय लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, वो जो तुम इसकी इसका जो साइज लेके आते हो ना साइज, वो किसके कंपैरिजन का होना चाहिए, वो लैम्डा के कंपैरिजन का होना चाहिए, मतलब लैम्डा के आसपास का होना चाहिए, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, यहां पे ये वाला मैंने काम लिया, इसको मैंने लिया, यहां पे सामने स्क्रीन पे मैंने बनाने स्टार्ट किए डिफ्रेक्शन पैटर्न, इस पे मैंने बनाने स्टार्ट किए डिफ्रेक्शन पैटर्न, ऐसा कुछ। लेकिन दिक्कत पता क्या हुई, इसमें ना बनने तक से चाहिए मेरे को ना स्क्रीन थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी ताकि मजेदार एकदम बढ़िया बने डायग्राम और मजा आ जाए देख के। ये हमारे पास ऐसा डायग्राम बन रहा है, ये भी मेरे को पता बहुत बेकार से बन रहा होगा बट ठीक है, तुम यहां पे ये देख सकते हो, यहां पे ऐसे जा रही है,
बीच वाले को रहने देते हैं, ये तो ऑब्वियस सा है समझना, ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न बनने वाला है, मतलब एक बीच में तो डिस्क होएगी होएगी, उसके आसपास ऐसे 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 पैटर्न बनने वाले, ऐसे पैटर्न बनने वाले हैं, दीज आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब ये सर्कुलर बन रही है, बड़ी ध्यान से देखोगे तो सर्कुलर बन रही है, बट मैं देख लेता हूं मैं कामयाब हो चुका हूं क्या, लेट्स सी क्या मैं कामयाब हो चुका हूं इसको बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, ज्यादा ऊपर भी नहीं गया। तो यहां पे अगर हमें निकालना हो साइन थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आने वाली है कि अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे देखने वाला हूं तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसमें सेंटर से थीटा एंगल पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या आने वाला है, उसकी चीज को ध्यान रखने के लिए मैं यहां पहले इसको तो डी मान लेता हूं। इसकी विड्थ कितनी है, इसका डायमीटर कितना है, डी। तो यहां से साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आती है 1.22 लैम्डा बाय डी। कहां से आई सर, ये कहां से लेकर आए, तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई भी डेरिवेशन हमारे पास सिलेबस में नहीं, इस चीज को ध्यान रखो। बात समझ आ रही है, हाँ। ये हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, जिस भी थीटा को तुम देखना चाह रहे हो, ये बहुत छोटा है तो तुम दो लाइंस को इसके साथ भी थीटा बना सकते हो, इसके साथ बहुत छोटा है क्योंकि, बात समझे। हाँ अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये जो बीच वाली डिस्क है अगर मैं तुमसे इसकी रेडियस पूछूं तो इसको कहते हैं एरी डिस्क, तो मैं यहां लिखने वाला हूं रेडियस ऑफ, सेंटर वाली को कहेंगे एरी डिस्क। कैसे निकाले, अगर ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, अगर ये एफ है तो कैसे निकाले, तो हमें पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वहां से रेडियस क्या आ जाएगी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारे पास मान लेते हैं, अगर मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूं ना तो ये आर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास आर इज इक्वल टू आर्क कितनी आएगी, ये वाला थीटा, यहां से आ जाएगा थीटा इनटू में रेडियस हमारे पास आ जाएगी, रुको 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 सॉरी, हमें आर्क निकालनी, आर्क इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, आर्क हमारे पास क्या है, ये आर्क होने वाली है, ये हमारे पास आर्क, मैं इसी की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, मैं इसको यहां पे भी एक बना देता हूं, ये जो मैं डॉटेड नहीं, मेरे को ब्लू कलर पड़ा है तो मैं ब्लू से बनाना चाहूंगा, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूं ना, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, देख लें एक बार, गंदा सा तो नहीं लग रहा है, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूं ये ऊपर भी बनेगा और ये पक्का नीचे भी बनेगा, ये पक्का नीचे भी बनेगा। तो ये जो हमारे पास बना है ये दूसरे वाला, मैं थोड़ा 3D में डायग्राम दिखाने में सफल हो रहा हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेस्ट है। तो ये थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, आर्क, आर्क होती है ये रेडियस अपॉन में, ये थीटा ऊपर ऊपर वाला पूरा थीटा नहीं है याद रखना, थीटा यहां तक बनेगा, ये ब्लू वाले के साथ है थीटा, थीटा ठीक है, आर्क, आर्क हमारे पास आ गई आर्क, यही होता आर्क, यही होती आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है यहां से यहां तक हमारे पास f, तो ये अपने पास बनने। अब तुम कहोगे सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो ये भी इक्वल टू थीटा ही होगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी f इंटू में थीटा 1.22 लैम्डा बाय डी, विच इज r इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी। फाइनली हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला, और यही था हमारे पास डिफ्रैक्शन में, ये था डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। अब सर्कुलर अपर्चर में तुम्हें ये फॉर्मूले याद रखने हैं दो, किसी भी हालत में इन्हीं पे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे एडवांस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना ये, अगर होंगे इन फ्यूचर तो तुम्हारे लिए बना दिए जाएंगे, अभी के लिए नहीं है, तो अभी तो इन्हीं रट लो तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं रिजोल्विंग पावर पे, अब रिजोल्विंग पावर हमारे को सीखना पड़ेगा कि क्या होती है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर में हमारे पास क्या आने वाला है, पहले तो रिजोल्विंग पावर होती क्या, मान लो यहां पे ना दो कर्व है, क्या तुम्हें ये अलग अलग दिख रही है, तुम कहोगे सर कैसी बात है, हमें दिख रही है कर्व अलग अलग, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ तो क्या ये ऐसे नहीं दिखेंगे तुम्हें, थोड़ी थोड़ी पास आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, दूर जाएंगे तो ऐसे ही होगा। अभी एक और एग्जाम्पल से बताऊं, और दूर चले जाओ तो तुम्हें ऐसे लगेंगी, और लगभग मेरे को एक ही दिखाई देगी, ये जो डॉटेड वाली है एक ही दिखाई देगी जितना मैं दूर जाता रहूंगा। तो जब भी मैं दूर के या बहुत छोटे ऑब्जेक्ट देखता हूं, दो कंडीशन हो सकती है, या तो वेरी फार या वेरी स्मॉल, वेरी फार का मतलब टेलीस्कोप की बात होगी, और वेरी स्मॉल का मतलब माइक्रोस्कोप की बात होगी।
माइक्रोस्कोप की बात होगी। जैसे तुमने, मैं दो एग्जांपल से समझाऊंगा, ट्रेन की पटरी देखिए, मैं ट्रेन की पटरी ऐसे करके देख रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन जा रही है बढ़िया से एकदम, दूर जाते 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 जैसे मैं अपनी आंखों को दूर तक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो मिल गई, मिलती थोड़ी। अब देखिए क्या, एक पटरी पे चलने वाली ट्रेन सिंगल लाइन पे चलने वाली नहीं होती ना, दो पटरी पे चलते, मुझे ऐसा लग रहा मिल गई, मिलती नहीं है, वो रिजोल्विंग पावर मेरी आंखों की है, मैं उनको क्यों नहीं देख पा रहा, अलग अलग, वो मेरी आंखों की रिजोल्विंग पावर है, पावर टू सी टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नोन एज रिजोल्विंग पावर, इज नोन एज रिजोल्विंग पावर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, कभी कार देखिए दूर से आती हुई, वो ऐसा लगता कार है नहीं, बाइक है, उसकी एक ही लाइट है, जैसे जैसे वो पास आती पता लगता है वो दो लाइटें थी, समझ पा रहे हो, ऐसा लगता वो दो लाइटें थी, जैसे पास आती रही पता लगेगा दो लाइट है, फिर साइड पे हो जाना वरना उड़ जाओगे। क्या होगा कि जैसे ही कोई दूर ऑब्जेक्ट होता है तो हमें उसको दो को, मतलब एक को दो बनाने में हमारी आंखों को थोड़ी दिक्कत होती है, दूर ऑब्जेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। ऐसी कोई बहुत छोटी चीज है ना, दो चींटियां लेना और वो दो चींटियां बहुत पास है और तुम दूर से देखना उन्हें, उनको पास पास बिठा दो एकदम चींटियों को, प्रोवाइडेड वो बैठ गए तो वो पास पास बैठ गए और तुम दूर से देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा एक ही चींटी है, तुम उसको कर ही नहीं पाओगे अलग अलग, अपनी आंखों, तुम्हारी आंखें एबल ही नहीं होंगी वो करने की, क्यों, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर उतनी है। तो हमें क्या करना है, ऐसी चीजें बनानी है जिसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए, रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी तभी हम इतने बड़े बड़े स्टार्स को ऑब्जर्व कर लेंगे, तभी हम इतने अच्छे तो नहीं, तभी हम बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अमीबा को, ये को वो को, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो क्या अच्छी होनी चाहिए, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो इसीलिए हम टॉपिक लिखने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये हमारे पास है, अब इसको मैथमेटिकली हमें फॉर्मूला याद करना है, बट फिर भी हम वो फॉर्मूला याद एक बार कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम देखने वाले हैं कि एक साइंटिस्ट रेले, नाम याद कर लेना बेटा, कहीं पता चले एग्जाम में राम श्याम ऐसा कुछ लिख के आ गए। तो ये रेले थे, इन्होंने कहा था कि सबसे कम एंगुलर सेपरेशन कितनी होती है, सबसे कम कितनी होनी चाहिए ताकि हम उसको अलग अलग देख लें। उन्होंने एक लिमिट दी थी, उसे कहते हैं रेले लिमिट, ठीक है, रेले लिमिट। तो ऐसा ही कुछ, तो यहां पे लिखेंगे द सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्टिंक्टली सीन शुड बी एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे यहां पे सेपरेशन नहीं, एंगुलर सेपरेशन, मुझसे मिस हो गया, एंगुलर सेपरेशन कितनी होनी चाहिए। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा 1.22 लैम्डा बाय डी, कम से कम इतनी होनी चाहिए। तुम कहोगे सर ये तो अभी आपने सर्कुलर अपर्चर में दिखाया था, बिल्कुल, अरे वो सर्कुलर अपर्चर में फ्रिंजेस ही तब बनती थी जब उसमें सबसे कम कितना हो सकता है, ये कंडीशन होता है, एंगुलर सेपरेशन सबसे कम इतनी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन लैम्डा एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब वो जो हमारे पास, जैसे मान लो हमारी आंख है, तो ये आंख का डायमीटर होगा डी, ठीक है, या मान लो हमारी आंख है तो आंख का डायमीटर होगा डी, ठीक है, वही समझ भी आ रहा है। हाँ, सो हमारे पास दो टाइप की रिजोल्विंग पावर होने वाली, पहली है लीनियर रिजोल्विंग पावर और दूसरी है एंगुलर रिजोल्विंग पावर। इनके फॉर्मूलाज याद ही करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, हायर क्लासेस में जाके पढ़ लोगे। ये होता है डी बाय लैम्डा डी और ये होता है डी बाय लैम्डा, वेयर डी इज दी स्मॉल डी, यहां पे लिख लो, वेयर स्मॉल डी इज दी सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कैपिटल डी सेपरेशन डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। तो इनके डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, बट ये हमारे पास फॉर्मूला है जिनको हमें याद करना है और ये हमारे लिए थोड़े से होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक। अब पहला टॉपिक इसमें फर्दर लिखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग, इन फॉर्मूलाज को तो बहुत अच्छी तरह जहन में उतार लेना, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास,
ये वाले फॉर्मूलास। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर देखें और अगर हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हमारे पास कुछ ऐसे निकल के आती है। पहले लिखो रिजोल्विंग लिमिट, रिजोल्विंग लिमिट का हमारे पास फॉर्मूला था 2λ/2μsinθ। लैम्डा बाय 2μsinθ, ठीक है। अब मैंने रिजॉल्विंग लिमिट लिखी है, रिजॉल्विंग लिमिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग पावर। तो अगर मैं यहां पे रिजॉल्विंग पावर लिखना चाहूं तो मैंने ये तुम्हें क्यों लिखवाया है, क्योंकि मैं यहां से बताना चाहता था RP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, RP इज रेसिप्रोकल ऑफ RL। ये चीज को ध्यान रखना, याद आएगा 2μsinθ बाय लैम्डा, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल कीप इन आवर माइंड। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आने वाले हैं, इन पे तुम्हें नहीं पूछा जाएगा कि क्यों क्या कैसे, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बस तुमसे डायरेक्ट इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनेगा तो। चांसेस आर लेस बट चांसेस आर देयर, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर तुम इसको भी सिर्फ ध्यान रख लोगे तब भी हमारा काम हो जाएगा कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, मतलब ये याद रखना कि रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स ऑन दी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा बढ़ाओगे रिजॉल्विंग पावर कम होगी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो ये हमारे पास होने वाली है रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू, इसको रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है ना, ये भी हमारे पास इक्वली इंपॉर्टेंट, और इसका भी हम फॉर्मूला ही याद रखेंगे, और ये हमारे पास कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये रिजॉल्विंग पावर वाला वही फॉर्मूला हमारे पास जो अभी अभी हमने करा था 1.22λ/d, दिस इज द फॉर्मूला। तो यही हमें बस ध्यान रखना है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने यहां रिजॉल्विंग पावर लिख दिया, यहां पर आने चाहिए रिजॉल्विंग लिमिट, इसको दोबारा लिखता हूं, रिजॉल्विंग पावर नहीं यहां पे आना चाहिए, पहले मैं हमेशा लिखवाता हूं रिजॉल्विंग लिमिट और फिर रिजॉल्विंग पावर। तो एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट फिर से मैं उल्टा लिख रहा था 1.22λ/d, और रिजॉल्विंग पावर हमारे पास आ जाएगी d अपॉन में 1.22λ। दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर टेलीस्कोप, इन फॉर्मूलाज को भी अगर हम याद रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एंड दिस इज इट, दिस इज कंप्लीट डिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन में हमने सारा कुछ कर लिया। एक बार मैं रिमाइंड कराऊं सारा कुछ, तो टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रानोफर फ्रेजनल है ना, उसके बाद हमने किया सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी पर ज्यादा फोकस किया, हमने सिंपल फाइनाइट डिस्टेंस वाले को कम किया, उसके सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा देख लिया कि मिनिमा आता है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2b और मैक्सिमा आता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2b। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इंटेंसिटी का वेरिएशन देखा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नोट बाय 22 और आई नोट बाय 61, ये ऐसे ऐसे डिक्रीज होती रहती है और बीच में आता आई नोट एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू है ना। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम मैक्सिमा की कंडीशन देखें इंटेंसिटी में तो बीटा की वैल्यू क्या आती है टेन बीटा, मिनिमा की वैल्यू देखें तो वहां पर आई थी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा बी बाय बी, एम लैम्डा बाय बी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो और बी इज दी सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हमने सर्कुलर अपर्चर में ये वाले तो मैं फॉर्मूला लिखवाया था अभी, ठीक है। और सर्कुलर अपर्चर में फॉर्मूला लिखने के बाद हम चल चुके थे, सर्कुलर अपर्चर में हमने फॉर्मूला लिखा था एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर मतलब थीटा का फॉर्मूला लिखा था, थीटा का फॉर्मूला अगर हमारे पास यह आया था तो मुझे निकालना था कि बीच की जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है उसका कितना टोटल विड्थ कितनी है, तो हमने लिखी थी 2θ, क्योंकि टोटल एंगुलर कितनी है उसकी, एंगुलर साइज कितना है 2θ, थीटा ऊपर थीटा नीचे। अगर तुम्हें एंगुलर साइज के बारे में और देखना तो मैंने बताया हुआ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आगे। तो मैंने उसके बाद बताने के बाद तुम्हें बताया रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की पावर, डिस्टिंक्ट देखने की पावर इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। उसी का रेसिप्रोकल होता है कि रिजॉल्विंग लिमिट, कि कितनी लिमिट तक हम देख सकते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट जो रेले ने दी थी वो दी थी, रिजॉल्विंग लिमिट जो थी वो हमारे पास थी, अभी मैंने लिखवाई थी तुम्हें यहां पर, कि थीटा एंगुलर थीटा कितना होना चाहिए, कम से कम थीटा कितना होना चाहिए, इतना 1.22, ये साइन थीटा का इक्वल आता है ना, साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि होता भी है हम सबसे कम की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, सो दिस इज थीटा, अरे दिस इज द मिनिमम ना, तो मिनिमम में थीटा हो जाएगा, थीटा सबसे कम कितना होना चाहिए, तो ये हमारी लिमिट हो गई किसी भी चीज की, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट हो गई कि इससे
इसको ध्यान में रखते ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना आज के बाद, और बनाते भी ऐसे ही है ना, रेले लिमिट होती है उसको ध्यान रखते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें माइक्रोस्कोप की बताई, माइक्रोस्कोप के हमारे पास रिजॉल्विंग लिमिट होती है 2 λ/2 μsin θ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितना ज्यादा लैम्डा उतना अच्छा रिजॉल्विंग लिमिट होगी, उतना अच्छा अलग अलग करके देख लेगा। रिजॉल्विंग पावर इज उल्टा, उल्टा ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट, तो हमने यहाँ पे लिख ली 2 μsin θ/λ। रिजॉल्विंग पावर उसमें देखिए, रिजॉल्विंग पावर किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करती है। लास्ट जो हमने करा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विच इज रिजॉल्विंग लिमिट, पहले हमने लिखी रिजॉल्विंग लिमिट अभी अभी बताई थी, वो रेले वाली बताई थी, रेले लिमिट वो ये। उसके बाद हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर हमारे पास आ गया d/1.22λ, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब तुम कहोगे ये और ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, छोटे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं, हम इसका डेरिवेशन पे तो नहीं जाने वाले, यहाँ पे डिस्टिंक्ट दूर गए ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो कुछ दो सिचुएशन अलग अलग है। छोटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास है, बहुत पास है, ये लो मेरे पास है बैक्टीरिया लेकिन बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा प्लेनेट है लेकिन बहुत दूर है, तो दोनों में ही यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला आते हैं। इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे और जरूरत भी नहीं, इन फ्यूचर अगर जेई एडवांस ने इससे छेड़छाड़ की टॉपिक के साथ तो हम भी छेड़छाड़ कर लेंगे, लेकिन अभी की छेड़छाड़ को यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पोलराइजेशन की। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।